रेगिस्तानी वीराने में जहाँ छाया रहता है कभी मौत का सन्नाटा, तारों में बजती रहती है एक अजीब सी सनसनाती चुप्पी, या फिर चीखती रहती है किसी राक्षस से पागल हवा, उमड़ते रहते हैं धूल के बादल, फूं फूं करती रहती है दिशाएं, जिनके ऊपर आग उगलता रहता है बड़ा सा लाल लाल और चौड़ा, और सीमा ही मरुस्थल के विस्तार में आ जाती है सरा सी हरियाली। अच्छा पहले दूध पी ले। अरे माँ तो मेरी कविता सुनो पहले। तू तो खुद ही कविता है माँ, अपने सुनो ना। अच्छा सुनो। फिर उठते हैं कुछ फूल, चटक उठती है कुछ कलियाँ, और लगता है रेगिस्तान को आ रही है बहार, सदियों से धूल ही धूल को चाटते अपनी बुनियाद को पीते, इसके अंदर में फूलने लगती है सरसों, लहराने लगती है बरगद बलूत चिनार, लगता है रेगिस्तान को आ रही है बहार। कैसी लगी माँ? अच्छी, बहुत अच्छी। इंसान तो वही है जो रेगिस्तान को हरा भरा कर दे और वीराने में बहार ले आए। माँ तुम्हें पता है कि कविता मैं रोज पढ़ती हूँ। मैं जानती हूँ, और ये तो बहुत अच्छा करती है। अब तो दूध पी ले। ठीक है। चंपा चंपा चंपा, क्या हुआ सविता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? घबराई हुई हूँ तभी तो झांसी की रानी के पास आई हूँ। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या? हम लोग पार्क के पास सड़क पर टहल रहे थे तभी तीन लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। तो मोटरसाइकिल हमारे पास रुकी, हमने सोचा कि वे रास्ता पूछेंगे, पर वे तो बाबा रे बाबा, देखने में तो शरीफ घराने के मालूम पड़ते थे लेकिन नजर बेहद ही गंदी थी, वे तो बदतमीजी पर उतर आए। अब कहाँ है वो? हम तो घबरा कर तुम्हारे पास आ गए, अब पता नहीं वो इसी इलाके में या चले गए। चलो मेरे साथ, देखते हैं उन्हें। क्या हो गया? इतनी देर तो कभी भी चंपा को नहीं हुई, लगता है किसी जाम में फंस गई है। लेकिन इतनी देर दरवाजे पर खड़े रहने से बस की स्पीड तो बढ़ने से रही। अरे फिकर मत करो, कभी कभी देर हो जाती है, कहीं कोई जंगल का रास्ता तो है नहीं? लड़की जंगल में हो या बस्ती में, हमेशा उल्टा सोचती रहती है। आ गई। लो अब तुम्हारी चिंता दूर हुई। क्या हुलिया बनाया हुआ है चंपा, क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? चल भीतर चल। तू कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटा? माँ, माँ आज जब बस में चढ़ी तो बहुत भीड़ थी, लेकिन थोड़ी देर बाद सिर्फ चार पांच लोग ही रह गए और वो भी स्टैंड पर उतर गए। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर में न जाने क्या बात हुई, उन्होंने बस की स्पीड तेज कर दी और जाने रास्ते पर ले जाने लग गए। और जब मैंने कहा अंकल कौन से नए रूट पे ले जा रहे हो, मुझे यही उतार दो प्लीज, तो उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे साथ बदतमीजी करने लग गए। माँ आज तुम्हारी बेटी की इज्जत बाल बाल बच गई। शुक्र है भगवान का। तो क्या लाल बत्ती पर भी गाड़ी नहीं रुकी? उन्होंने ना कोई लाल बत्ती देखी ना हरी, वो तो बस सुनसान रास्तों पर चलाए जा रहे थे। और जब मैंने चीखने की कोशिश की तो कंडक्टर ने मेरा मुंह बंद कर दिया अपने हाथ से। वो तो बस थोड़ी धीरे हुई तो एक सवारी दौड़ कर चढ़ गए और मैं तभी वहां से भाग गई। पापा आप उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना, मैंने बस का नंबर भी नोट किया है। उसके बाद तेरे पिताजी चले जाएंगे जेल और हम बेटी किस किस का कत्ल करेंगे हम? मैं थाने रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ, तुम इसके कपड़े बदलवा और इसे कुछ खाने पीने को दो, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं बेटी।
सजा दिलवा कर रहूंगा। माँ मैं कल से बस में नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी और जरूर जाओगी। तुम मेरी एक बहुत ही बहादुर बेटी हो और इस तरह से हार नहीं मानते। देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जिस बस में सवारियां ना हो उस बस में चलने की जरूरत ही नहीं, और जिस बस में सिर्फ आदमी ही रह जाएं, तो उस बस से उतर जाओ और दूसरी बस में चढ़ जाओ। मैं तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हें एक मोबाइल फोन दिलवा देती हूँ ताकि हमें पता रहे कि तुम कहाँ हो और किस हाल में हो, ठीक है? अब तुम जल्दी से उठकर अपना हाथ मुंह धो लो और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता और दूध लेकर आती हूँ। शाबाश मेरी बेटी। होगी बेटी, वो दरिंदे पकड़े गए, खुद को मजबूत करो। जिंदगी जीने का एक ही मंत्र है, हिम्मत। किताबें एक तरफ फेंकने से मोर्चे फतह नहीं होते। अभी तो तुम्हें जिंदगी में बड़े बड़े काम करने हैं। तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं बेटी। आज मैं तुम्हें वही कविता सुनाती हूँ जो एक दिन तुमने मुझे सुनाई थी। भला क्यों ऐसा होता है कि किसी रेगिस्तानी वीराने में जहाँ छाया रहता है कभी मौत का सन्नाटा, और उस सीमा ही मरुस्थल के विस्तार में आ जाती है जरा सी हरियाली, तो लगता है रेगिस्तान को आ रही है बहार। आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, निश्चिंत हो जाइए आप लोग। शाबाश बेटी। और लगता है रेगिस्तान को आ रही है बहार, और लगता है रेगिस्तान को आ रही है बहार, आ रही है बहार। आज मीटिंग काफी देर तक चली, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए बहुत काम की थी। ऐसी मीटिंग हो तो बात बनती है। आपको याद है आज हमारी संस्था की मासिक सभा है? हाँ? और आपको जरूर आना है। मुझे विषय तो वो है ना कि औरतों पर बढ़ते अत्याचार में औरतों की भूमिका। हाँ। उसमें मैं क्या करूँगा? आप भी मनुष्य को स्त्री और पुरुष में बांटते हैं? मेरे न बांटने से अगर सारे बंटवारे खत्म होते हैं तो नहीं बांटूंगा। सुनो, मुझसे सहमत तो आप होंगी नहीं, लेकिन औरतें अपनी इशारत के लिए एक सीमा तक खुद भी जिम्मेदार है। ये बात और है कि पुरुष ने जो सामाजिक ढांचा बना रखा है उस पर उसका कब्जा है, और औरतें उससे बाहर निकलकर नहीं सोच पा रही। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर औरतें चाहें तो उससे बाहर निकल सकती हैं। बस जरूरत है तो इच्छा शक्ति की। तुम जैसी इच्छा शक्ति मेरी बहन, तुम तो प्रेरणा स्रोत हो मेरे लिए भी और मुझ जैसे। आप तो जरूरत से ज्यादा ही मेरी तारीफ करने लगे। वैसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर इसी बात पर आज दोपहर का खाना हम लोग साथ में खाएंगे। चलो। और मुझे आपसे कुछ सलाह भी लेनी है। सलाह मुझसे? जी। अरे वाह। चलिए कहिए, भोजन कैसा लग रहा है? एकदम पवित्र और स्वादिष्ट। ये बताओ क्या बात करनी थी? पहले खाना तो खा लीजिए। वो तो मैं खा ही रहा। दरअसल मैं ये मास्टरी छोड़ देना चाहती हूँ। ये आधा वक्त जो संस्था को देती थी ना, अब मैं पूरा देना चाहती हूँ। अच्छा। अब मेरे पास वक्त ही कितना बचा है, पर फिर मेरे स्वर्गीय माता पिता की भी यही इच्छा थी। अभी तो तुम्हें जिंदगी में बड़े बड़े काम करने हैं। कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा समय हो सके मैं समाज सेवा में लगाऊं। और दो रोटी की बात रही, वो तो आप मुझे दे ही देंगे। दूसरी बात, अरे भाई वो तुम्हारा, ये तो मेरा हक बनता है। इस तरह
है कि सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। लेकिन फिर नेक काम के बीच में कोई लेकिन नहीं, समाज सेवा के काम में पूरे मन से उतरो, किसी ने कहा है, सुनोगी? हाँ हाँ सुनाइए। पेड़ होंगे तो फल भी आएंगे, पेड़ होंगे तो फल भी आएंगे, चाहते जिंदगी की पैदा कर रास्ते पे निकल भी आएंगे। बहुत खूब, तुम तो वो झांसी की रानी है। किला कहाँ है? लेकिन मेरा किला कहाँ है? तुम्हारा किला है पूरा हिंदुस्तान। मुझसे बेहतर समझती हो, फिर क्यों सवाल करती हो इस तरह की? दरअसल हम सबको एक दूसरे से बल मिलता है, ताकत मिलती है। देखिए, एक अकेला कहलाता है और एक और एक 11 नहीं 111। बिल्कुल ठीक। और शाम को आज मीटिंग में आना भूलिएगा नहीं। और मेरा इरादा अब बिल्कुल पक्का है, मैं कल ही अपने इस्तीफा सौंप दूंगी। जानता हूँ, आऊंगा मैं जरूर। चलो चलिए। अच्छा आवश्यक कारणों से अब मैं विद्यालय में छात्रों को शिक्षा दे पाने में असमर्थ रहूंगी, अतः इसी कारणवश मेरा त्याग पत्र स्वीकार किया जाए। चंपाबेन, अपनी शादी की पहली रात जब फुलवा सुहाग की सेज पर बैठी, अपने भविष्य के सुखद सपने संजोए अपने पति का इंतजार कर रही थी, तभी एक अनजान व्यक्ति को अपने पति का जगह पा कर बात कर। क्यों भाई, क्या तुम्हें मैं ऐसी औरत दिखती हूँ? उनकी तो चार चार आंखें होती है। अरे औरतें धंधा नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? तुम्हारी माँ भी तो एक औरत ही है ना, तो क्या वो भी? ए, मेरी माँ का नाम मत ले, अपना चुबान खींच लूंगा। हाँ वाह, अपनी माँ के नाम पर तो गुस्सा। और ये भी तो मेरी माँ जैसी है। और तुम्हारी भी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम्हारी हिम्मत की तुम्हें दाद देती हूँ। जिस औरत जात ने तुम्हें जन्म दिया उसका इतना बड़ा अपमान, शर्म नहीं है तुम्हें?
लगता है लोग कभी स्कूल नहीं गए, नहीं तो इतनी समझ तो आ जाती कि कॉलेज से बात कैसे की जाती है। पता नहीं बखेड़ा कहाँ से हमारे ही गाँव में आ जाता है। चलो देख लेंगे। आया बड़ा, देख लूंगा। वो एक किलो चीनी चाय की पत्ती दूध पाक के पास दे देते हैं। भाई साहब, क्या आप मोहन कुमार जी का पता बता सकते हैं? मुझे नहीं पता। किसी को पता ही नहीं है मोहन कुमार जी कहाँ रहते हैं। उनका पता चल जाता तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती। हाँ, लेकिन बताएगा क्या? देखते हैं आगे चल के। माफ कीजिएगा, आप लोगों को इस गांव में इससे पहले कभी नहीं देखा। जी, हम बाहर से आए। वैसे आप लोग किस मोहन कुमार को ढूंढ रहे हैं? वही जिनका कुछ दिनों पहले अखबार में एक लेख छपा था औरतों की दुर्दशा के नाम से। बस हम उन्हीं से मिलना चाहते हैं। लेकिन लगता है इस गांव में उनका कोई पता जानता ही नहीं। जानते तो सब हैं, पर कोई बताना ही नहीं चाहता। पर क्यों? जी, मैं ही वो मोहन कुमार हूँ। आइए, मेरा घर पास में ही है। जी आइए आइए। उसी गांव के लोगों और बच्चों को जागृत करने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम आपके सामने है। तो ये चोटें आपको गांव वाले देते हैं? नहीं, ये तो खुला के पति है और उसके साथियों ने मेरी ये हालत की है। सुधा थोड़ी डर गई, किसी ने बात को बढ़ा चढ़ा कर। बढ़ा चढ़ा कर? अरे उन्होंने तुम्हें मारने में कोई कसर छोड़ी थी क्या? नहीं तो आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं कि आप लोगों के यहाँ आने का कारण क्या है। अपनी शादी की पहली रात जब फुलवा सुहाग की सेज पर बैठी, अपने भविष्य के सुखद सपने संजोए अपने पति का इंतजार कर रही थी, तभी एक अनजान व्यक्ति को अपने पति की जगह पा फुलवा अपने पति के पास भागकर जाने की कोशिश करती है, मगर वो नाकामयाब रहती है। आज भी फुलवा उस मनहूस रात को याद कर सिसक उठती है। बस आपका वही लेख हमें यहाँ तक खींच ले आया। ओ, तो आप लोग समाज सुधारक हैं। पर जो लोग सुधरना ही नहीं चाहते, भला उन्हें कौन सुधार सकता है? हम प्रयास तो कर सकते हैं सुधार, अगर सभी लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए तो। मोहन बाबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें प्रयास तो करते रहना चाहिए। आप हमें फुलवा के घर तक ले जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं भाई साहब, उस बस्ती में दोबारा वापस नहीं जाएंगे। अरे नहीं बाबा, नहीं जाऊंगा। पर पता तो बता सकता हूँ ना। बहन, क्या तुम हमें फुलवा का घर बता सकती हो? फुलवा? हाँ, वो जो गली है ना, उससे तीसरी गली में है फुलवा। चलो मैं ही छोड़ाती हूँ वहां पर। रेखा, अरे रेखा, दुकान संभाल के रखियो, अपने ग्राहक का भी ध्यान देना, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, चलो बाबू। वैसे कुछ काम था तुमसे? पैसे काम तो मुझे तुमसे भी था, लेकिन पहले फुलवा से मिलेंगे। वैसे एक बात बता दे, हम बाहर जाकर धंधा नहीं करते, लेकिन हम तो तुम्हें बाहर निकालने के लिए आए हैं। क्या कहा? गांव से निकालने आए हो? हमारे गांव से? हाँ बहन,
जीवन जी रहे हो ना, तुम्हें इससे बाहर निकालने के लिए आए। गीली लकड़ियों में आग नहीं लगती, सिर्फ धुआं उठता है। और एक बात बता दूं, कभी भूल के भी हमारे मर्दों के सामने अरे बहन मत बोल देना, वरना तुम्हें अब फटकने भी नहीं देंगे। तुम्हें तो बुरा नहीं लगा ना मेरी बहन। चलो चलो खुलवा के घर आओ। क्या पूछ रहे हो तू? तू इन लोगों के यहाँ क्यों आई? तेरी जोड़ का पता पूछ रहे थे, चले आई। तो यहाँ खड़ी कोई मुर्खा देख रही है, चलो अंदर चल। ऐसी हालत में भी अपनी पत्नी से इस तरह? ये हमारी बस्ती है, यहाँ बाहर वालों को बोलने का कोई हक नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, रास्ता ना पकड़ो। अरे चलो बहन जी, इसके मुर्खा रखना। हम लोग असल में आप लोगों को जागरूक करने आए, हमें जगाने आए हैं। अरे जागते तो हम वैसे रात रात भर। ये कहानी अकेले फूलवा की नहीं, यहाँ तो हर गांव के लगभग एक से कहानी है बहन जी। और इस गांव में किसी को भी मिलना हो तो बरखा को बुलाना। क्या बात कर रहे हैं शहरियों से? परिवार का प्यार नहीं मिला हमें, सारा दुखड़ा तो अपनों का ही है। बाजार में सामान की तरह रख देते हैं अपनी औरत और बेटियों को। कहने को ब्याह तो हमारा भी होता है, मगर किस बेटने की मेहंदी कबर कहाँ उतरी इसका हिसाब कौन रखता है? कितने शर्म की बात है। लेकिन हमारी बिरादरी के मर्दों के लिए कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि रीति और रिवाज का हिस्सा। लेकिन इस कुरीति को तो बदलना होगा ना। जंग की शुरुआत यही से होती है, घबराओ नहीं, इस जंग में कोई खून खराबा नहीं होगा। बस जरूरत है तो थोड़े से साहस की, जो तुम्हें है। लेकिन मजबूरी के सामने कभी साहस टिक पाया है भला बहन जी? मैं मानती हूँ मजबूरियाँ हैं, लेकिन सदा रहेंगी ऐसा नहीं है। तुम्हें संघर्ष करना है अपनी खातिर ना सही तो अपनी बच्चियों की खातिर। बस एकता की जरूरत है, तुम एक हो जाओ मेरी बहन, एक हो जाओ। तो क्या हम उम्मीद करें कि हमारी अगली मुलाकात जल्दी होगी? जी देखो घबराना नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कहिए वरुण जी, क्या कहते हैं आप? ये कुछ तो होगा, उम्मीद की किरण तो है। मैं भी यही सोचती हूँ, शुरुआत तो हो